डाइजेस्ट नहीं हुई। इट कांट बी ट्रू सिड। वैसे कुछ भरोसा नहीं आशिका। स्टिल यार, आई कांट बिलीव इट। देखो, ना आशिया है और ना ही वरुण। तो मेरी थियरी और सुपर न्यूज़ यहाँ पे ही एंड। मिस्ट्री क्या है? साफ साफ बताओ, और ये सुपर न्यूज़ क्या है? साहिल दो लड़कियों को डेट कर रहा है। एक तो टिया है। दूसरी कौन है? पहले मुझे लगता था आशी होगी, पर आशी तो वरुण के साथ है बाहर। सुनो ना लेटर, मैं नहीं रहूंगी, प्रिटेंड करूंगी कि कुछ नहीं हुआ। वाओ, क्या सलूशन है हर प्रॉब्लम का, बस झट से रो दो। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकती आशी। जरूर कर सकती हो, इनफैक्ट हम करेंगे। उसकी वैगिंग टेल को सीधा करना मुझे आता है। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं वैसे ही बहुत एम्बैरस्ड हूं, टूट गई हूं मैं। आई वोंट गिव अप। उसकी स्किन की जैकेट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। नहीं आशी, हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। आशी की फ्रेंड को हर्ट करके कोई आराम से नहीं रह सकता। I'm gonna ruin his life. Got that? Hey Tia, come here. It's like heaven in here. Sahil, what you up to? Nothing, sweetie. Just trying to be with you. I gotta go. What's the rush? How can I let you go? You look so pretty. I need to go, Sahil. But why? Please. सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। बहुत अकेला फील कर रहे हैं। शायद हमें भी कोई लाइफ में अपनी स्पेशल चाहिए। एक गर्लफ्रेंड। मेहर, अब उसे क्यों नहीं पूछते? वो किसी को ना नहीं कहती कभी। गुड आइडिया। बना, आप इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। मैं चलता हूं। एक मिनट, ये खोल नहीं रहा है। लेट मी हेल्प। कभी कभी टफ चीजों का एक सिंपल सॉल्यूशन होता है। थैंक्स रंजीत। हमारे राजस्थान में एक ट्रेडिशन है, अगर कोई आपकी हेल्प करे तो उसको स्पेशल वे में थैंक्स कहते हैं। अच्छा, और वो क्या है? मैं ये नहीं करना चाहती। लीव अमन अलोन। वैसे भी मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। तुम उसे भूल सकती हो, पर इसके बाद वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। मुझे तो पता भी नहीं कि इसमें क्या लिखा है। That doesn't matter. जाओ, ये स्टाफ रूम में रखकर आ जाओ, जल्दी जाओ। मुझे डर लगता है। आशी की फ्रेंडों के तुम डरती हो? What a shame. ठीक है, तुम यही रुको, मैं अंदर जाती हूँ। अगर कोई आए मुझे बताना, ठीक है? जल्दी आना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम, वो तो मैं बस ऐसे ही यहाँ पे। एनीवे, तुम्हारी मासी आई है और वो कैंटीन में है। मेरी मासी? वो तो कल आई थी। हाँ, पर वो आज भी आई है। She's waiting for you. चलो, वो तुम्हारा वेट कर रही है। Come on. मासी, आज वापस? Mission accomplished. ये वृंदा कहाँ गई? इतनी धूल। रिंकू, व्हाट इज दिस? बच्चों को इतनी गंदी चीजें खिलाएंगे? ये ले जाओ, ये सब मुझे साफ। तुम्हें कहा था ना वो मग साफ करने के लिए, ले जाओ जल्दी। आई वांट एवरीथिंग क्लीन ओवर हियर। मासी, आप ये यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? सरप्राइज, मैंने इनसे कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। क्या, कब, कैसे? आज सुबह ही, एक महीने पहले पार्लर बेच दिया। प्रॉफिट वैसे ही ज्यादा नहीं हो रहा था, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम टेंशन ले लोगी। पर मासी, आपने तो कहा था कि जब आप पार्लर बेचोगे तो आप वर्ल्ड रोड पे जाओगे। रिमेम्बर योर ड्रीम डेस्टिनेशन? हाँ, और वो सपना पूरा हो गया। यही है मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन, तुम्हारे पास।
और मैं अब उस अमन को तुम्हारा दिल दुखाने नहीं दूंगी। मुझे सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया आपको? छोड़ो, वैसे भी मैंने उसे पहला पनिशमेंट तो दे ही दिया। याक, ये क्या है? ओफो, अब ये मत कह देना कि गलती से मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक्चुअली यस मैम। वो क्या है कि मैं नई हूँ ना, इसलिए चीजें सॉर्ट आउट करने में जरा देर लग रही है। डोंट वरी रिंकू, इनके लिए एक स्पेशल कॉफी मेरी तरफ से। आई विल जस्ट बी बैक। वृंदा, वृंदा, वी नीड टू टॉक। यू थिंक सो? ओह, तो जो कल रात को हुआ तुम्हें पता चल गया? कॉफी यहाँ पियोगे या टेबल पर? वृंदा, आई थिंक हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए। कम साहिल स्कूल, उसने टिया को सॉरी बोला। अब मिस्टेक तो किसी से भी होती है ना। कैसी मिस्टेक? रणवीर ने उसे एक कहानी सुनाई। उसने उससे कहा कि पापा को एक डॉन है। He is such a loser. By the way, तुम बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या सीन है? Heavy talks, close to the locker and all, हाँ? कैसी talks? Nothing. वो तो मेरा locker door jam हो गया था, तो वो मेरी help कर रहा था। Really? Kissing hands and all? Tia, तुमने क्या Tia को dumb समझा है? मेहर, बताओ क्या सीन है? सीन क्या होगा टिया, वो भी रणवीर के साथ? नेवर। श्योर? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं है। लेकिन तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि प्री अभी भी उसे लव करती है। क्यों करती है पता नहीं, उसने उसमें देखा क्या? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो इतना भी यूजलेस नहीं है टिया, बात करके देखो। सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर्सनैलिटी है, गवार है, राजस्थानी ऊंट है। तुम इतना एंग्री क्यों हो रही हो? क्या क्या है उसने? पता नहीं, पर वो ठीक नहीं है। मैं उसे जब भी देखती हूँ ना, तो आई फील ऑड। ही इज जस्ट नॉट ओके, नॉट हैपनिंग। टिया, वृंदा, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें बताऊं कैसे। बहुत लेट हो गया अमन, चलते हैं। कोई देख लेगा तो पनिशमेंट देगा। नहीं, वी नीड टू टॉक। वो जो कल लड़की आई थी, मनमीत। आई नो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नो, शी वाज माय गर्लफ्रेंड जब हम किड्स थे। बच्चे कितने स्टूपिड होते हैं ना। फिर वो कई साल पहले अपनी फैमिली के साथ लुधियाना चली गई। अब वो आ गए हैं और हमारी फैमिलीज के माइंड्स ओवरटाइम वर्क करने लग गए। तुम तो जानती हो मॉम्स कैसी होती हैं। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? आई मीन इवन नाउ? बिलीव मी, कुछ नहीं, इट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट सैटरडे में घर जाकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मेरी मॉम मुझे अभी भी 2 साल का बच्चा समझती है। पर तुम उनसे कहोगे क्या? यही कि मैं तुमको चाहता हूँ। The best girl in the school. Now will you forgive me? Thank you. Hello everybody. Morning, sir. Good morning. Please sit down. आज कोई क्लास नहीं होगी। Yes. Relax. Don't be excited. In fact, आज से हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी यहाँ स्कूल में आएं और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। Okay. Since you are all so enthusiastic, आपको ये डिसीजन बहुत बेनिफिट करेगा। पेरेंट्स को यहाँ स्कूल में इनवाइट किया जाएगा कि वो किसी भी इशू या टॉपिक पर अपनी स्पीच दें, अपनी राय दें। थैंक गॉड मॉम इससे दूर रहेगी, नहीं तो। अन्वेषा, साइलेंस प्लीज, एंड प्लीज बी ओपन विद पेरेंट्स। बहुत ही अच्छा होगा जब एक ही टॉपिक पे हमें 2 generations के व्यू पॉइंट सुनने को मिलेंगे। सर आप इतना टेंशन मत लीजिए, हमें पता है हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं। आजकल जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। हमारे जमाने में जिंदगी कितनी बेटर थी। हो सकता है कि सब ऐसा ना सोचते हो, इसलिए तुम्हारे प्री कंसीव नोशंस को बदलने में और इंटरेक्शन बढ़ाने में ये फोरम बहुत काम आएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक विल बी
सेक्स एजुकेशन। सर बेबी कम इन। यू बोथ आर लेट, कम इन। अन्वेषा क्वाइट। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारी पहली पेरेंट गेस्ट हैं अन्वेषा की मदर मिसेस सोनिया रे। मिस सोनिया रे। हाय किड्स। मॉम आप यहां क्या कर रही हैं? वी आर ओल्ड इनफ टू नो अबाउट दीज थिंग्स। मैं जानती हूं कि तुम और तुम्हारे क्लासमेट्स आर हैविंग अ गुड टाइम ओवर हियर, पर हमेशा लाइफ इज नॉट दैट इजी। कभी कभी हम अपने आप को रिप्रेस करने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगते हैं, हमें डर लगता है। वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। क्लियरली कैसे देख सकते हैं? आप हमारे सामने जो खड़ी है। No, she is a hottie. Mom, you're just making a joke of yourself. Can't you see that? प्लीज मैम आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बॉयज जस्ट नो हाउ टू लाफ, नथिंग एल्स, सिर्फ फालतू की बातें करते रहते हैं। और हाँ, यहाँ आने के लिए थैंक्स। थैंक यू स्वीटी। और हाँ, तो मुझे मैडम मत बुलाओ, माय नेम इज सोनिया। तो शुरू करें? मैं इस नॉनसेंस के लिए यहाँ नहीं रुक रही। ओके, इन दैट केस यू कैन लीव द क्लास। मैं तो वैसे ही जाने वाली थी। कितनी अजीब बात है, आपकी पहली गेस्ट है मेरी मॉम, एक फिल्म स्टार, अ ब्यूटीफुल लेडी। ये क्या है? नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है, भेजने वाले का कोई नाम नहीं। देखूं तो सही क्या है? मैं इतने सालों से स्कूल में टीचर हूं, लेकिन आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की है। बेहुदा मजाक है ये। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? अमनदीप चड्डा, मुझे वो स्कूल से बाहर चाहिए। या तो स्कूल में वो रहेगा या मैं। ऐसा क्या हो गया मैम? ये हुआ, पढ़िए इसे। Adolescence, teenage, ये उम्र बचपन और जवानी का ब्रिज है। इस ब्रिज को आपको कैसे क्रॉस करना है ये तो आप लोग ही तय करेंगे। सडनली इस उम्र में ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जो लड़के डिस्कस्टिंग लगते थे वो इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। जो लड़कियां इरिटेटिंग लगती थी वो वाव लगने लगती है। बट इट्स ओके, इट्स वेरी नेचुरल, ये बड़े होने का एक हिस्सा है। पहला प्यार, पहला क्रश, इट्स लाइक स्प्रिंग, फ्रेश एंड इनोसेंट। प्यार तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन। लेकिन कभी कभी हम इस इमोशन में कैरिड अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट करनी पड़ती है। कूल और विथ इट होने के लिए हम कुछ ऐसे प्रेशर्स में फंस जाते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमसे प्यार करता है वो हम पर कभी कोई प्रेशर नहीं डालेगा। उसे कुछ भी प्रूव करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। When the time is right, it will happen. Love ही सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन है, बाकी सब तो मोमेंट्री प्लेजर्स है। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज जरूरी भी होती है, प्यार भी, इंटिमेसी भी, सेक्स भी। लेकिन किसी और के कहने पर या फिर किसी प्रेशर में आकर, नो, नॉट हैपनिंग। बस मुझे इतना ही कहना था।
I hope I didn't sound like a fuddy-duddy. Thank you. मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. Good show, Sonia. Thank you. चलें. चल. Thank you, students. Dude, वैसे speech में point तो था. What say you? Sadly, यार, ये तो सिर्फ theory थी. Idiot वरुण तो कितना lucky है. उसे Sonia जैसी सासु माँ जो मिल गई है. Just hang in there, Nakul. क्या कहा तुमने? तुझे मालूम नहीं? It's a top secret. Top secret? क्या secret नकुल? वरुण और ऐशी. You must be crazy. You kidding me, right? I hate you, mom. I hate you. मेरी जिंदगी में और बुरा आप कर ही नहीं सकती थी. मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी. पहले आपके बाल काटूंगी, फिर आपका मेकअप बाहर फेंकूंगी. साइको, मुझे हार्ट अटैक से मारना है क्या? ये बताओ तुम कुकी के साथ कैसे हो? मुझे लगता है वो बिल्कुल आउट है, पर ओके. मामा के साथ काम कर कर के ना वो मामा जैसी हो गई है. तुम्हारी माँ बिल्कुल जीनियस टाइप की है. ओके, व्हाटएवर, पर तुम कैसे हो? सी टू, पहले मैं तुमको बहुत मिस करता था, बहुत मैन बहुत. लेकिन अब मेरे को टीवी, खाना, अपना खुद का बेडरूम, मुझे उन सब की हैबिट हो गई. तो तुम कूल हो ना? हाँ, वो क्योंकि कुछ ज्यादा ही पागल है. डेली बोलता है यार नहा ले, कपड़े बदल ले, ब्रश कर ले, मुंह पोछ ले. बोल दियो, मैंने तुम्हारी पूरी लाइफ रुइन कर दी. बॉस, अभी सुनने का टोटल टाइम पास, अब उनको स्कूल भेजने की बात हो रही है. तो तुम्हारी लाइफ की लंबी वीकेंड फाइनली खत्म हुई और तुम बिल्कुल सही जगह पे लैंड हुए हो. हाँ, लेकिन मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ. मिस? क्यों ब्रो? तू क्रेजी औरतों के साथ रह के लियो लड़की बन गया क्या? मालूमत लड़की किसको बोला? ऐसा क्या? चल एक राउंड लगाते हैं फिर. कम यहाँ. अन्वेषा, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें. मुझे बात करनी है तुमसे. सब पर अभी तो ब्रेक टाइम है. मुझे अभी बात करनी है. कब? मारूस है. नहीं, पहले मुझे पता करने दे प्रॉब्लम क्या है. सारे वैकोस मुझे ही मिलते हैं. ऐसे कर लियो, तू वापस जा, बाद में वहीं मिलते हैं. ओके? मैं मौर्या है कि नई कैफे मैनेजर बोल रही हूँ. 5 किलो चिकन भेजना, बिल्कुल साफ करके. एक अर्जेंट है. ब्रेक के बाद टाइम नहीं मिलेगा ना. अच्छा एक मिनट बेटा. हाँ जल्दी लिख लो. और कीमा भी बिल्कुल फैट फ्री. और आदमी से कहना आने से पहले मुझे फोन कर ले. ओके, थैंक यू. हेलो मिस्टर आहूजा, आप मुंबई आ गए? नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस टिया और हमारे बीच थोड़ी लड़ाई सी हो गई थी, वो सब साहिल की वजह से. जी नहीं नहीं, हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए उन दोनों को अलग करने के लिए. सर आप हमें थैंक्स मत कहिए प्लीज़, हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई. जी यस सर. जी बिल्कुल, बाय बाय. मुझे अपनी साइको मॉम को स्कूल में नहीं देखना है, बस. अन्वेषा, इन टैंट्रम्स का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. मामा का तो इफेक्ट होता है ना. देखो तुम्हें जो कह रहा है तुम सीधे सीधे कहो. तुम्हारी इन हिंट्स और डबल मीनिंग से तंग आ गया हूं मैं. आप सीधी बात सुन पाएंगे? तुम बोल के देखो. मेरी मामा पेरेंट एक्टिविटीज में फर्स्ट इनवाइटी क्यों थी, मुझे सब कुछ पता है. क्या पता है तुम्हें? यही कि यू इंटरेस्टेड इन हर, यू लाइक हर. I'm sorry, but the truth always hurts. You're wrong. तो तुम अब तक यही सोचती बैठी थी? Yes. अन्वेषा, तुम्हारी माँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो. अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ से इतना रूडली बात क्यों करती हो? क्योंकि वो हमेशा यहाँ का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है, और वो इतनी ब्यूटीफुल है कि सब लोग उनके अराउंड ज़ैप हो जाते हैं. वो उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं. तुम अपनी ब्यूटी हैंडल करो, उतना ही काफी है. मेरी ब्यूटी?
मैं तो मामा के सामने फ्रॉग लगती हूँ। Really? अपनी आंखें खोलो और देखो और सुनो कि आईना क्या कहता है। आईना तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपनी माँ से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपनी जगह बहुत खूबसूरत हो। Remake, 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 remake.